मेरा रिएक्शन कुछ नहीं है, बिकॉज उसका बयानबाजी तो आगे भी किया था, एंड आई फील दैट एनी इलेक्शंस इज गुड फॉर द पीपल. GTA का पक्ष में भी हम लोग नहीं है, GTA होना चाहिए पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार GTA का इलेक्शन का नॉमिनेशन डेट देने से 7-8 days देगा नॉमिनेशन भरने के लिए. म्यूनसिपैलिटी में कितना दिन देगा? 6 days, 2 दिन तो छुट्टी था. तो इसलिए वी आर GTA का पक्ष में, आज होना चाहिए कल होना चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. फिर भी GTA इलेक्शन होने से वी विल पुट अप कैंडिडेट्स. हम लोग खाली छोड़ने के लिए, एक दल का सिर्फ परिवार का वोट से GTA का फिर GTA का फिर गवर्नेंस में आने से दैट इज़ नॉट गुड. सो GTA का पक्ष में भी नहीं, लेकिन इफ गवर्नमेंट डज द GTA इलेक्शन, वी विल फाइट द GTA इलेक्शन. और अरूले के भन्छ होइन, दुसरा आदमी क्या बोलेगा उसमें हम नहीं जाएगा, क्योंकि आगे भी 2010 का क्या बात हुआ था, क्या करेगा वो करेगा, आई डू नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट. पहाडको भ्रमणमा है सिएमले जुन GTA को चुनावको है एउटा सङ्केत दिइराखेको छ भने, एकतर्फ फेरि यो PPSलाई लिएर है 2 तारिकको दिन यो सेमिनार पनि राखिरहेछ, तपाईँहरूको पार्टीलाई पनि यो निमन्त्रणा आएको छ भन्ने छ, तपाईँहरूको पार्टीबाट यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? होइन, हामीले उहाँहरूको यो एक्सर्साइजको लागि घरमै आएको थियो, दिपेन भाइहरू आएको थियो, दिपेन माले, दिपेन अर्को भाइहरू आएको थियो, हामीले वेलकम गर्छ अनि यसमा हामी जान्छौँ अनि सुन्छौँ, बोल्नु भन्दाखेरि हामी सुन्छौँ. तर म यो भनेको होइन, हेर्नुहोस् है, यो जेसुकै होस्, म्युनिसिपालिटी होस्, आज पञ्चायतको इलेक्सन भएको छैन, हाम्रो मान्छेहरू पञ्चायतको वञ्चित भइरहेछ. अब कुनै दल होइन जुन चाहिँले चाहिँ 5 साल GTA चलायो, अनि जस्तो पनि लाग्छ होइन, माने सिन्सियरली गरिबको लागि काम भएको छैन जस्तो पनि लाग्छ. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि, यो स्टन्ट्सहरू होइन, यो जनतालाई भ्रम, जनतालाई डर, अनि म सरकारसँग निवेदन गर्छु होइन, जसले चाहिँ अशान्ति फेरि फैलाउनु खोज्छ, जसले चाहिँ पहाडलाई फेरि एउटा दिग्भ्रमित जग्गामा पुर्याउनु खोज्छ, त्यसको लागि चाहिँ कडाभन्दा कडा ल एन्ड अर्डर चाहिँ अगाडि नै पहिला नै निप एट द बट गर्नु पऱ्यो होइन. किनभने 35 साल होइन यस्तै बगम फुसे कुराहरूमा हाम्रो व्यक्तिहरू, हाम्रो जातिको समय नष्ट गरे, उमेर गयो. 2017 आजसम्म जेलबन्दी धेरै छ भित्र, उनीहरूको परिवारले के भुल गर्यो? नेतृत्वको भुल हो. आजको दिनमा फेरि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाखेरि जनताले त्यो ज्यादा सिरियस लानु हुँदैन. हामीलाई क्याप्टनलाई हरायो भन्छ, ठिकै हो, क्याप्टन हार्यो 5 सिटले हार्यो, तर क्याप्टन चाहिँ भागेन क्या, डढाएन क्या, होइन, झेल बस्नु डढाउनु हुँदैन क्या, काम बिगार्नु हुँदैन, झेल बस्नु डढाउनु हुँदैन. सो यो खाले बगम फुसे यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्छु, सरकारले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने उहाँको द्वायत्ता हो. GTA को पक्षमा छैनौँ, तर सरकारले GTA इलेक्सनको नोमिनेसन गर्यो भने हामी 45 सिट दिएर हामी GTA लड्नेछौँ, बोर्ड बनाउने सक्षम हुन्छौँ, हामी गुड गभर्नेन्स दिन्छौँ, पैसा चोर्दैनौँ, कन्ट्र्याक्ट कमिसन खाँदैनौँ, 5% 7% खाँदैनौँ, खरसाङ जस्तो जग्गामा 100 करोडको पार्किङ बनाएर आजसम्म लथालिङ्गे बनाउँदैनौँ, मुगल गार्डन भनेर पैसा खर्च गरेर वेस्ट गर्दैनौँ गरिबको पैसा,
गुड गभर्नेन्स दिने समय आएको छ, नयाँ युग गुड गभर्नेन्स दिनुपर्छ। बगम फुसे नेताहरूसँग समय नष्ट गर्यो, 15 साल 20 साल 35 साल सबै फर्किन्छ, जनताको सबै फर्किन्छ। घर गयो भने घर बनाउन सक्छ, पैसा नोक्सान भयो भने बनाउन सक्छ, उमेर नष्ट गर्यो। नष्ट गर्ने नेताहरूको एकदमै जनता सतर्क हुनुपर्छ। त्यो होगा न हो, कुन चला रहा था, उसका क्षमता क्या था, उसका क्रिएटिव आइडियाज क्या था, इतना पैसा आया सरकार से, पैसा तो आया ना गरीब का ले, डेवलपमेंट का ले, क्या किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए नीचे मुगल गार्डन बोल के कितना करोड़ खर्चा किया, कर्सन में पार्किंग बोल के अभी तक खुला नहीं, कमीशन घोटाला, ये टाइप का अभी तक ये टाइप का होगा, जीटीए फेलियर होगा। तो एक तो पंचायत भी, एक तो वार्ड कमिश्नर अच्छा से काम करने से एक तो वार्ड भी स्वर्ग बनाने सहेगा, लेकिन इतना पैसा आया, इतना क्षेत्र दिया, इतना डिपार्टमेंट दिया, चला नहीं सका। और बोलता है ये सब फेलियर, डीजीएचसी फेलियर, जीटीए फेलियर। अरे गवर्न करने, गवर्नेंस करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम लोग का साथ है। उन्होंने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ ने कहा है कि पहले पीपीएस होना चाहिए, बाद में जीटीए, नहीं तो वो अनशन पर बैठेंगे। वो लोग क्लियर होना चाहिए, वो क्या पीपीएस, पीपीएस पीपीएस क्या पीपीएस, क्या पीपीएस, दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया, क्लियर आइडिया। अभी 2 तारीख में क्या वो कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, ठीक है हम लोग भी सेमिनार, बट वॉट इज द आउटकम। लेकिन देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जीटीए इज नॉट अ ऑब्स्टिकल, ये लोग बोल रहे हैं ना ऑब्स्टिकल, जीटीए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का एक बाधा हो रहा है बोल रहा है, ये इट्स नॉट ट्रू। अरे बोडो लैंड का जो काउंसिल है वो भी तो है, लेकिन वो अपग्रेड हो रहा है, एवरी 4-5 ईयर्स अपग्रेड हो रहा है। बोडो लैंड काउंसिल क्या बाधा है, लेकिन जो ये बोल रहा है ना ये बाधा है, जीटीए इलेक्शन ये होगा वो होगा, देखिए हम जीटीए का पक्ष में भी नहीं है। देखिए परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का ले तो हम लोग बहुत खड़ा है, मैंने वी हैव वर्क्ड हार्ड, राजू बिस्टा का टाइम में, नीरज का टाइम में। अरे परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आएगा उसका लिए भी क्या होगा, क्या होगा उसका लिए भी इलेक्शन होगा, उसमें भाग लेगा, कब होगा, लेकिन 10 वर्ष के लिए तो हम, आई कैनॉट वेट फॉर 10 ईयर्स टू गिव गुड गवर्नेंस टू आवर पीपल।